इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगस्त से अब तक वेतन नहीं मिलने को लेकर गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर ने कार का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय यूनिवर्सिटी में लगभग 200 शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कार्यरत हैं, जिसका 5 करोड़ से ज्यादा वेतन बकाया है। और गौर करने वाली बात यह है कि UGC के निर्देश पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब तक वेतन ही नहीं मिला है। मंगलवार को शिक्षकों ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिला शिक्षक भी शामिल थी। गेस्ट टीचरों को वेतन दो, वेतन नहीं तो कार नहीं के नारे लगाए गए। सर, इस यूनिवर्सिटी में किसी की ज्वाइनिंग अगस्त से है, किसी की सितंबर से है, और अभी तक हम लोग को एक माह का भी वेतन नहीं मिला है। कल हम लोगों ने शांतिपूर्वक इसके लिए प्रयास भी किया और वीसी के यहाँ भी गए और रजिस्ट्रार से भी मिले, FO से भी बात की, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उनसे यही समझ में आता है कि हम लोग के वेतन और फंसने के चांसेस हैं, तो इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक कार्य से बहिष्कार कर रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के विभाग के अध्यक्ष भी हमारा साथ दें। कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमारा वेतन जल्द दें। मेरी बात मेरे केवल विश्वविद्यालय से नहीं है, हमारे महाकुलाधिपति राष्ट्रपति महोदय से भी है। हम चाहते हैं कि यदि हमने काम किया है और हमने एक भी परीक्षा को रुकने नहीं दिया है, निष्ठापूर्वक काम करने का ये बात नहीं है कि आप हमको सजा दें। अगर यूनिवर्सिटी ने गलती की है तो उसको दुरुस्त करें और हमारा वेतन जल्दी से जल्दी निर्गत करें। मैं डॉक्टर अमित दुबे, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे सारे जो भी गेस्ट फैकल्टी के लोग हैं इस बात को एक चीज़ ही रेखांकित करेंगे कि हम काम किए हैं तो हमारा वेतन दिया जाए, क्योंकि हमारी पारिवारिक आर्थिक संकट के जिम्मेदार आप लोग हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्य बहिष्कार होगा और हम विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपने लिखा है 50,000 रुपये प्रति माह, और ये प्रतिमा ना होकर के आपने 6 महीने लटका दिया। और जब ये सेशन खत्म होने को है, नई ऑडिटिंग होगी, तो जो नया पैसा आने वाला फंड वो अगले साल के लिए होगा, और इस तरह से हमारा पैसा भी लटक जाएगा। हम चाहते हैं कि यदि हमने अपना काम निष्ठापूर्वक किया है तो आप भी ईमानदारी पूर्वक हमारा पैसा दें। मैम आप बताइए, हम लोग कैसे पढ़ाए 6 महीने से हम लोगों को एक चार्ज दिया, जब उस दिन पहले दिन आप लोगों का साइन करके दे दिया जो आपके वेतन का था डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये तो बड़ी अजीब बात है, कैसे आप लोगों को जब रखा तो सोच समझ के ही तो रखा। एक्सटेंशन भी आ गया हम लोग।